मोक्ष मार्गस्य नेतारं हेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। जो परिस्थितियां हम और आप सबके सामने बनी है, उसका एक भाग तो आपने अभी सुन देख लिया है और एक इसके लिए क्या है, मैं क्या शब्दों में उसको कैसे उसको कहूँ, क्या कहूँ। पिछले कुछ सालों से ऐसा योग बन गया था क्योंकि बाकी सारे रिश्ते कितना सब कुछ सुनिश्चित है, लगभग लगभग माता पिता भाई बहन ये सब एक राशन कार्ड वाले रिश्ते हैं, लेकिन एक मित्र मिलना, वो भी ऐसा मित्र मिलना जिसकी अगाध विद्वत्ता की छत्र छाया भी साथ में मिलना, तो उसके लिए अब शायद शब्द कम पड़ जाएंगे। हमने जो खोया है, समाज ने जो खोया है, उसकी क्या क्षतिपूर्ति होगी क्या नहीं होगी। एक वो पार्ट है कि उनके साथ क्या हुआ, तो ये तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वर्तमान कलिकाल में जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता था वो उनके साथ हुआ है। जन्म से ही उन्हें जिन शासन की छत्र छाया मिली, पाठशालाएं मिली, स्मारक का सानिध्य मिला, श्रुत का अभ्यास मिला। मैं जब स्मारक में पढ़ता था उसी समय वो कैसेटें भर भर के थैले में ले जाते थे, जो ऑडियो कैसेट चलती थी वो रील वाली, देवल जी साहब की, लेमचंद जी पाटनी साहब की, क्योंकि उन्होंने स्मारक में रह के शास्त्री नहीं किया, लेकिन फिर भी शास्त्री के कोर्स में जो कुछ भी है, लगभग लगभग वहां लगने वाली शिविरों में जो कुछ भी चलता है, वह सब उन्होंने स्वयं के पुरुषार्थ से अर्जित कर लिया। लाडलू से उन्होंने अभ्यास करके उसको क्रम को आगे बढ़ाया। जैन पत्रविद्या विज्ञान जैसे 50ों साल से चलने वाली पत्रिका को संभाल लेना, बड़े दादा के जाने के बाद पूरा भार उनके ऊपर आ जाना, मतलब ये विद्वान क्या क्या करे, कभी कभी ऐसा लगता है उनने क्या नहीं किया, लेखन के क्षेत्र में, संपादक के क्षेत्र में, प्रवचन के क्षेत्र में, कहाँ कहाँ प्रवचन नहीं किए, सात समंदर पार भी प्रवचन किए और यहाँ के भारत के गांव गांव गली गली में भी प्रवचन किए, यहाँ साधन संसाधन है सब जगह। और पिछले कुछ सालों से, लगभग लगभग 5 साल से, जब हम अमेरिका में थे, दादा के सानिध्य में ही पहली मीटिंग हुई थी इस बात के लिए कि हम कुछ करना चाहते हैं, और दादा का जैसा बाय डिफॉल्ट नेचर है, यदि आप तत्व प्रचार के क्षेत्र में कुछ भी करना चाहते हो तो वो आंख में पट्टी बांध के आशीर्वाद दे देते हैं कि करने वाला कौन है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब हमें दादा का आशीर्वाद मिल गया तो फिर तो कहने ही क्या, और जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। एक एपिसोड तो जैसे तैसे हमने ट्रायल वर्जन किया था, हमने पत्रिका नहीं छपाई थी चैतन्य धाम के समय भी, हमने विद्वानों को आमंत्रण नहीं किए थे, मतलब ऐसी परिस्थितियां ऐसी थी, हमें पता ही नहीं था हम कर क्या रहे हैं, बस कुछ हटके करना है, लेकिन अपने को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, दूसरे जो कर रहे हैं उसकी नकल नहीं करनी है, कुछ तो यूनिक करो, ज्यादा करो, विशाल करो, विराट करो, ये शब्द कानों में गूंजते हैं और उनकी भावना के अनुरूप कार्य भी हुए। पिछले 3 महीने से हम लगभग लगभग 1-2 दिन छोड़ के रोज फोन पर बैठ रहे थे रत्न करंग श्रावकाचार्य की प्रूफ रीडिंग के लिए। 5-6 तारीख जनवरी की आवाज उनकी थोड़ी सी धीमी हो गई, तो ठीक है होगा सर्दी जुकाम होगा, यूं करके हमने टाल दिया। 9-10 तारीख तक स्थिति
इतनी कम हो गई थी कि मैंने जो स्पीकर पर बात करता था उसकी जगह वो लगाए, ईयरफोन लगा के बात करना शुरू की, क्योंकि तो रात को 9 साढ़े 9 बजे फ्री होते थे और फिर 11 12 बजे तक हम बैठते थे प्रूफ रीडिंग के लिए। वो चीजें सामने आने लग गई थी कि वे प्रश्न पढ़ते थे तो मैं, भाई साहब ये वाला प्रश्न तो हो गया है। अच्छा बोले हो गया क्या, बोले ठीक है। हमको नहीं मालूम था ये किस चीज का सिम्टम है, लेकिन हम ये समझ रहे थे कि ढाई दीप जैसा विराट पंचकल्याणक, विशाल पंचकल्याणक उनके सामने है, तो हो सकता है उसका डायवर्जन हो, उसकी थकान हो। आवाज बहुत कम थी, लेकिन इतनी बीमारी में भी, इतनी तकलीफ में भी, वे रत्नकरण श्राव का चार की प्रूफ रीडिंग दो दो ढाई ढाई घंटे करते। 10 तारीख को तो वो लगभग लगभग करते करते सो से गए, तो मैं हलो हलो वैसे नींद आ रही कि हाँ भाई नींद आ रही है, आप सो जाओ। फिर अगले दिन 11 तारीख को अंतिम प्रूफ रीडिंग हुई थी, और उसके बाद से तो समझो स्थिति इतनी कमजोर हो गई थी कि हमारी बातचीत लगभग लगभग बंद हो गई थी। इधर उधर से फोन लगा के पूछ रहे थे क्या हुआ, नहीं भाई साहब आराम कर रहे हैं, भाई साहब आराम कर रहे हैं। और 15 तारीख को समझो ये मामला सामने आया, 16 तारीख को वो बॉम्बे के लिए फ्लाइट से रवाना हुए। मुझे जब सूचना मिली कि वो बॉम्बे निकल चुके हैं, तो मैंने किसी से बात नहीं की, सहज क्यों कैसे हुआ भगवान जाने। कहते हैं ना नियोग ही होता है, कुछ करने से कुछ नहीं होता, लाख सोचते हैं वहां नहीं पहुंच पाते हैं। योग ऐसा था कि मैंने देखा तो एक सीट खाली थी, करंट में 200 रुपये कम में सीट मिली, एक ही सीट खाली थी दुरंतों की। 7:15 बजे मुझसे मैसेज आया और 8 बजे की ट्रेन थी, पैकिंग करके सीधा ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में चढ़ने के बाद मैंने फोन लगाया एजेंट साहब को कि मैं बम्बई के लिए रवाना हो गया हूँ। जैन साहब ने अपनी भूमिका के अनुसार प्रोटोकॉल निभाते हुए उन्होंने सीधे सीधे हाँ नहीं कहा, मैं थोड़ा सा बताता हूँ ऐसा है वैसा है, वो अपनी व्यवस्था के अनुसार उचित कर रहे थे। और लगभग लगभग मुझे ना जैसा ही कह दिया था, तो मैंने कि ठीक है आप बिल्कुल चिंता ना करो, मलाड में मेरी ससुराल है, मैं मलाड निकल जाऊंगा, लेकिन अब तो मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ और ये ट्रेन भी दुरंतो है, ये बीच में रुकेगी भी नहीं है, इसलिए आप कोई विकल्प मत करो। लेकिन 15 मिनट में जब भाई साहब तक सूचना पहुंची, समाचार पहुंचे, संजीवी भाई साहब सृष्टि भाभी को, जब संस्कृति भाभी को बताया, तो वहां से सहज स्वीकृति मिली कि नहीं यही आए सीधे। और योगानुयोग से मेरा अपना पुण्य का उदय था कि ऐसे व्यक्तित्व के साथ रहने का अवसर मिला और हम मैं वहां पहुंच गया। बाकी सारी परिस्थितियां आपको सुना दी गई हैं, मैं उनको नहीं सुनाऊंगा। मैं तो 3 4 चीजें कह के अपने विषय को विराम करूंगा। एक तो बीमारी क्या है, इसकी उपस्थिति और इसकी सूचना जब मिल गई, उसके बाद हम जाते हैं उपचार वाले खाते में। तो मैं समझता हूँ किसी ने इसमें कुछ किया नहीं है, उस जीव का अपना पुण्य का योग है कि उसे उन परिस्थितियों से गुजरना नहीं पड़ा जिसे हम बुरी समझते हैं। मतलब एलोपैथी का नाम सुनते ही हम जो कहते हैं कि भैया क्यों एलोपैथी लेनी पड़ रही है, डॉक्टर ही मना कर रहा था। और कौन मना कर रहा था, एलोपैथी का डॉक्टर मना कर रहा था, न्यूरो सर्जन है। ऐसा भी नहीं कि आयुर्वेद का डॉक्टर ने मना कर दिया हो, तो वो एक रास्ता उनके लिए समझो था ही नहीं। इतने उत्कृष्ट जीव हैं तो उनके लिए अयोग्य निमित्त मिलते भी नहीं, इसलिए किसी के चित्त में इस जाति की भ्रांतियां हों कि पता नहीं क्या करते रहे वहां, 1 महीने तक प्रयास करते रहे, इलाज कराते रहे, ठीक नहीं हुए, फलाना नहीं हुए, ठिकाना नहीं हुए। सच बात यह है उन्होंने 1 महीना पूरा अपने आप के लिए दिया, पूरा 1 महीना। उस 1 महीने में ना उन्होंने फोन को हाथ लगाया, ना उन्होंने कोई दूसरे संकल्प विकल्प किए। शुरुआत के दिनों में तो इतने स्वस्थ थे कि जब हम यहाँ आए तो पारला मंदिर के दर्शन करने गए, वहां की लाइब्रेरी देखी, लाइब्रेरी के समय भी हमने बातचीत की, पूछा भाई साहब ये देखो कितनी सुंदर लाइब्रेरी है, तो भाई भाई साहब ऐसा क्या लगता है आपको, तो बोले ऐसी लाइब्रेरी यहाँ तो गांव गांव में होना चाहिए। ये उनके उद्गार थे कि बोले इतनी स्वच्छता, इतनी व्यवस्थित, कोई दिन में भी जाके पढ़ना चाहे, एक एक डेस्क पर लैपटॉप रखा हुआ है, मतलब हेडफोन लगे हुए हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनने के लिए, तो बोले ऐसी लाइब्रेरी यहाँ तो हर जगह होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अंत अंत तक उनकी जो स्रोत धारा और स्रोत आकर्षण था वो आपके सामने। धीरे धीरे जब बीमारी बढ़ रही थी तो हमारे पास फिर उपचार, भारत है और भारत में उपचारों की कमी नहीं है, हर क्षेत्र में कोई ना कोई डॉक्टर, कोई ना कोई फेमस वैद्य, कोई ना कोई जड़ी बूटी वाला, कोई ना कोई अलग अलग विधियों वाले लोग हैं। तो शुरुआत में फोन आते थे तो जैसे तैसे मैनेज करते थे, हम डॉक्टर से पूछते हैं डॉक्टर से पूछते हैं, लेकिन टाइम के बाद ऐसा हो गया कि हम क्या क्या उपचार करेंगे, इसलिए लगभग लगभग कहीं से कोई उपचार का ज्यादा उसमें उलझन में पड़े बिना किसी डॉक्टर के, भाई साहब तो कहीं दूसरी जगह गए भी नहीं,
और इसमें मैं समझता हूँ संस्कृति भावी का जो बहुत अच्छा रोल रहा, उन्होंने, मुझे डाउट था कि पता नहीं ये कैसे संभालेंगे, लेकिन निर्यापक शब्द जो कहा जाता है सच में, कि पूरी भूमिका उनकी इस बात में सार्थक रही कि उन्होंने उनके परिणामों को संबल देने के लिए ना उनके सामने रोई, ना उनके सामने विचलित हुई, ना उनके सामने परेशान हुई, ना उनके सामने खींचना, तुम बार बार ऐसा क्यों कर रही हो, क्या, बिल्कुल सहजता से उन्होंने उस पूरे 1 महीने को, मैं कह रहा हूँ, जिया है। बाकी टाइम तो भाग दौड़ में, यहाँ जाना है, वहां जाना है, टिकट देखना, उतरना, चढ़ना। हमने पूरा पंचकल्याण का जो इंदौर में चल रहा था, वहां बैठ के टीवी पे आनंद लिया उसका। एक एक इंद्र सभा और सब, दादा के प्रवचन भी शुरू हुए तो उसमें विकल्प आया कि देखो दादा ने भी शायद प्रवचन हमारे लिए कर रहे हैं, क्योंकि पंच कल्याणकों में अक्सर प्रवचन जो होते हैं वो कल्याणकों के होते हैं, लेकिन इस बार दादा के पंच कल्याण के प्रवचन में भी समाधि सहजता थी। तो वो भी एक योग था कि समझो डायरेक्ट हमको ही ये संबोधन दे रहे हैं, और हमने प्रसन्नता पूर्वक वहां बैठ के भाई साहब के साथ में प्रवचन भी सुने, घूमने फिरने भी गए। कहने का मतलब ये है, बहुत आनंद और समता की स्थिति में जिए। और कुछ बातें ऐसी हैं, बस हमने वो तामझाम नहीं किया कि लोग आ रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, सुना रहे हैं, फिर जा रहे हैं, लेकिन सच कहता हूं, जो जो संलेखना समाधि में होता है वो सब किया हमने। मैंने व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूं, क्योंकि उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि उनको बताया जाए कि नहीं बताया जाए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था, चूंकि मैं साथ में था, कि कब क्या हो जाएगा पता नहीं है, हिंट तो दी ही जाए। तो उनको तरह तरह से उनको कहा, रोग के काल तक की जितनी भी जो संस्थागत जिम्मेदारियां और दूसरे संकल्प विकल्प परिवारगत जिम्मेदारियां, संकल्प करा दिया था कि जब तक हम रोग से पूर्ण स्वस्थ नहीं होते हैं, तब तक मैं हर तरह से निर्भार हूं। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको यम दिला सकूं, बोला लास्ट तक का बोले उसको कर दूं के, लेकिन इतना जरूर संकल्प करा दिया था कि यदि हम रोग के काल से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हमारे पास कोई जिम्मेदारियां नहीं है। भाई साहब, आपके सर पे, शरीर पे सिर्फ कपड़ा है, बाकी मुनीबद जीवन जिए। और उन्होंने वो किया। आप जो भी उनसे मिलने आया, धर्म के अलावा कोई प्रश्न किया होगा, वो सिर्फ सुन के रह गए होंगे, उसका कोई उत्तर उनके नहीं। तो उन्होंने आहार आदि की दृष्टि से श्रावकोत्तम जीवन जिया, विचारधारा की दृष्टि से श्रावकोत्तम जीवन जिया, और जब जब भी हमने गाथा पढ़ी है, हमने जानबूझ के भी अगर गाथा अधूरी छोड़ दी है, तो उन्होंने गाथा पूरी कर दी। जिनको भी प्रमाण चाहिए वो व्यक्तिगत आके उनसे मिल सकते हैं, मैं उन्हें दिखा दूंगा कि देखो भाई साहब ये स्थिति, आप समझिए। लेकिन वचनों को प्रमाण मानते हुए आप मानिए कि उनके एक और पुण्य का उदय, कितनी बातें हैं जो कैसा लगता है ना, ये भी बताओ, एक और पुण्य का उदय ये कि इनके पूरे रोग में तीव्र वेदना नहीं, क्यों नहीं हुई भगवान जाने, नहीं तो मैंने बहुत लगभग लगभग समाधियों में योगानियोग से पहुंचा हूं। अभी कुछ दिन पहले मैं धवल जी के साथ में था, उनको अपार वेदना थी, लेकिन समता भी साथ में, उसका भी वीडियो मैंने आपको भेजा था। यहाँ वेदना थी ही नहीं, पूरे 1 महीने में 2 या 3 बार उनका सर समझो 15 से 20 सेकंड को दुखा, और उन्हें थोड़ा सा ऐसा ऐसा किया और फिर न। अब ये कोई नियोग है? कहने का अर्थ यह है, उन्होंने अपना पूरा जीवन जन्म से लेकर के लास्ट तक जिए। जब मैं इतनी सारी चीजें हैं समराइज करते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले जब वीडियो कॉल पे भी उनसे जब बात हो रही थी, मैं बीच में चला गया था 1 हफ्ते पहले, तो उस समय भी मैंने ये बात दोहराई कि भाई सब सत्तो प्रश्नवंश का कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। बोले बढ़ाओ, मतलब उनके चित्त में प्रभावना का, तत्व प्रचार का, और जो रस था वो आप सबके सामने है, निष्पक्षता का रस उनके सामने है। जब हमने सत्पथ प्रश्न मंच भी प्रारंभ किया, तो बोले कुछ ऐसा करना जिससे पूरा जैन समाज जुड़ जाए, नाम भी ये सत्पथ रखना और उसके पीछे सारे तैयारियां रखना, ताकि कोई एंट्री करने से पहले उसके दिमाग में ये सल नहीं आना चाहिए ये किस पंथ का है और किस ग्रुप का है, किस समूह का है। नहीं, बोले तीर्थंकरों की दिव्य देशना का मार्ग है, इस मार्ग में सब जुड़े,
और उन्होंने वो सार्थक प्रयास किए, हम सबने देखे। हम एक वाक्य मैं तो व्यक्तिगत तौर पर अनेक बार दोहराया और उन्होंने वो पूरा किया, मैं आधा ही बोलता था, ये सब है पुद्गल के खेल, और उनके मुंह से जवाब आता था, इन सो ना ही हमारो।